व्रत लहर में आज हमने बनाया सिंघाड़े की बाटी, तो शुरू करते हैं। बाटी के साथ सर्व करने के लिए हमने चटनी लिया है। सबसे पहले लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, नमक, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, नींबू का जूस, मूंगफली दाना। मूंगफली डालने से चटनी थोड़ा गाढ़ी हो जाती है और स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए डिलीशियस चटनी बनके तैयार है। एक बाउल में हम लेंगे उबले हुए आलू, कटा हुआ धनिया पत्ती, नींबू जूस, नमक और सिंघाड़ा का आटा। सिंघाड़ा का आटा हमने घर पे तैयार किया था, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। थोड़ा जीरा, उसके बाद हमने लिया कटे हुए अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई। इन सबको आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको इस तरह का आकार दे देंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये देखिए बाटी हमने अपे साचे में बनाया है। थोड़ा सा देसी घी ग्रीस कर देंगे। ये देखिए बना के हमने एक साथ तैयार कर लिया। इसको रखना शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बन के तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो इसको बिना व्रत के ही बनाती रहती हूँ, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा देसी घी हमने ऊपर से भी लगा दिया है। इसके अलावा आप मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया है। इसके बाद इसको लटना पलटना शुरू करेंगे। देखिए कैसे अच्छी तरीके से सिख रही है। और ये डिलीशियस बाटी, फलाहार बाटी बनके तैयार हो गई। अब निकाल के इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इसको दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज माता रानी के भोग में हमने बाटी भोग लगाया। माता रानी ने खूब पसंद किया और सभी बच्चों ने भी खूब प्रसाद को एंजॉय किया। मिलती हूँ नए फलाहार रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।